मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अरुणा नाम है और मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ कि कुमार गौतम एंटरटेनमेंट एक 6 मार्च को रंग शारदा में गोल्डन गर्ल अवार्ड रख रहे हैं और ये सिर्फ 101 महिलाओं के लिए है और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। ये समथिंग वेरी नाइस गुड कॉन्सेप्ट है और इसमें ऐसी महिला होंगी जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ काम किया है, जैसे कि साइंटिस्ट है, टीचर है, पुलिस है, मेडिकल है। आजकल आप जानते हो कि महिला सब क्षेत्र में आगे हैं और कंधे से कंधा मिलके वो काम कर रही हैं, तो ये अवार्ड उन्हीं के लिए है। कैरन मैम, आपसे जानना चाहूँगा, हमारे देश में बहुत सारी महिलाओं हैं, आपने सिर्फ 101 महिलाओं को चुना है, तो ऐसी क्या खास बात होगी 101 महिलाओं में? और आई एम श्योर जिसको आप लोगों ने चुना होगा बहुत सारी महिलाओं को जी। द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड से इज़ लाइक वी हैव द स्पेशल अवार्ड दैट इज़ द गोल्डन गर्ल अवार्ड बाय कुमार गौतम एंटरटेनमेंट। तो ये एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट उन्होंने शुरू किया है विच इज़ फॉर द वुमेन। आजकल इतने महिलाएं हैं जो इतने सारे फील्ड में अलग अलग बहुत काम कर चुके हैं। सो इन दिस अवार्ड वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी वुमेन who is very powerful, who wants to have a name in this industry. So everybody is invited for this. And moreover, ये concept मुझे अच्छा लगा कुमार जी का, because जो भी ये award मिलेगा इनको, जो भी महिलाएं हैं, they are going to be published in this book, the Bollywood headlines. So उनके जो भी हैं, उनके write-up थोड़े आएंगे. So it's like a promotion for their own self. And we are really happy to, you know, promote the women of our India. So I wish him all the very best. नीता मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि इतनी सारी महिलाओं को आप लोग इनवाइट कर रहे हैं, कैसे रिसर्च करने वाले हैं, कैसे चुनाव करेंगे आप लोग इन महिलाओं का, अगर उस बारे में कुछ बताया मुझे आपने। मैं नीता देसाई को फाउंडर ऑफ द लाइफ एंड फाउंडेशन। मैं यही बोलना चाहती हूँ, 6 मार्च रंग शारदा में जो अवार्ड है, गोल्डन गर्ल अवार्ड, मिस्टर कुमार गौरव एंटरटेनमेंट से 101 महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। ये अवार्ड जो है उन महिलाओं को कि अलग अलग क्षेत्र में जिसने अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट की है, उन महिलाओं के लिए ये अवार्ड है और उनको ये मोटिवेशन दिया जाता है कि वो और आगे अच्छा काम करे इस अवार्ड के जरिए। अरुणा जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टिविटीज करते हैं आप, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, कौन इंस्पायर करता है आपको ये एक्टिविटी करने के लिए? बस मैं जाती हूँ, मुझे जब मैं लोगों को मिलती हूँ वो सब देख के मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और जब तुम देखते हो लोगों को सफ़र करते हो तो इंस्पिरेशन अंदर ही खुद जागती है, तो खुद ही हम अपने आप से इंस्पायर होते हैं। जब मैं देखती हूँ ऐसी चीज़ें तो मेरा मन लगता है कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। जैसे हमने कोरोना के समय में मेडिसिन बांटी, बच्चों को बुक्स बांटी, सीनियर सिटीजन को भी हमने दवाइयाँ दी, राशन दिया। तो ये सब जब चीज़ें तुम देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन अंदर से आती है और करने का मन करता है और भी। और मैं कहना चाहूँगी, आज की जो महिला है, जो औरत है, जो स्त्री है, वो अबला नहीं है, वो सबला है। सबला मतलब होता है बहादुर है, शेरनी है, वीर है। तो वो टाइम चला गया जब घर में नारी बैठती थी चार दीवारों में, उनको पढ़ने की शिक्षा के सब साधन नहीं थे। आजकल बहुत कुछ बदल गया है समय के साथ, और जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं सोचती हूँ कि शिक्षा महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पाँव पे खड़ी होती है। जब देखिए घर में जब महिला होती है और अच्छे से काम कर रही होती है, पूरा घर अच्छा होता है, सुखी होता है। तो सेम वे अगर हमारी देश की महिला जब शिक्षित होंगी, आगे प्रगति करेंगी, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हर महिला, मतलब शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, बेटी को पढ़ाओ भी। कैरन मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों के लिए कितना, एज अ जूरी, आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि महिलाएं आए वहाँ पे अवार्ड रिसीव करने के लिए? It is actually a very challenging thing, because आजकल every woman में इतनी वो talent है कि it is so difficult to decide कि who is the best among all. But I could say women, the word women itself में वो ताकत है और वो power है. So that word is enough for everybody to know what a woman is. Woman means strength. So it is going to be very nice to be being in the jury or whatever. But I would say that yes, I would really advise a lot of women, please come forward, enroll yourself for this award. You are really going to get a very good coverage for this, and you will feel proud of yourself that yes, I took a right decision of joining this.
नेता जी आपसे भी जानना चाहूँगा, एज अ जूरी कितना चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए, और मतलब कैसे आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये महिला हो, ये महिला को ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? ऐसे तो इंडिया में अब देखा जाए तो हर क्षेत्र में महिला आगे है, हर क्षेत्र में महिला आगे है, लेकिन अगर ये अवार्ड जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी महिला ने किस क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया है, और वो इसके लिए बहुत, यह अवार्ड बहुत मोटिवेशनल है कि वो और अच्छा काम कर सके अपने क्षेत्र में। तो वही मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है महिलाओं को, उसकी वजह से महिला और अच्छा अपने क्षेत्र में और अच्छा काम कर सकती है। मैं सभी महिलाओं से यही बोलना चाहूँगी, आप आइए, इससे जुड़िए, आप एक दूसरे को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए, हम सब एक साथ हैं, और जब हम साथ में होते हैं तो हम उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। साथ रहो, एक दूसरे को इंस्पायर करो, मोटिवेट करो, और हर क्षेत्र में मैं चाहूँगी कि महिला आगे बढ़े। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सभी को नमस्कार, और हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं आज हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इस अवार्ड शो से मैं जुड़ रही हूँ। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से महिलाओं को इस अवार्ड में आने के लिए। हमारा प्रयास है कि बहुत सारी महिलाएँ इकट्ठी हों, और 110 अवार्ड हम देने जा रहे हैं इस अवार्ड शो के माध्यम से। तो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं आएंगी, और हम चाहते हैं और भी आएं। और रविका जी कुछ बोलेंगी फिर। रविका जी आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, और किन महिलाओं को यहाँ पे जो है इनवाइट किया जाएगा टू रिसीव अवार्ड्स? नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, दिस इज रविका दुग्गल फ्रॉम मुंबई। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझ रहा हूँ, ऑनर्ड, कि मैं इस इतने सुंदर प्रोजेक्ट की एक छोटी सी अपनी तरफ से कुछ एक योगदान दे पाऊँगी। कुमार गौरव एंटरटेनमेंट एक बहुत ही प्यारा सा अवार्ड ला रहे हैं, गोल्डन गर्ल अवार्ड। जब एक लड़की को गोल्डन गर्ल कहा जाता है, ट्रस्ट मी, उनका जो ये निखार, उनकी जो कला, वो कुछ और ज़्यादा निखर के आती है। और ख़ास करके अगर आप उस महिला को एक अवार्ड दे दिया जाए, उनके उनका जो भी काम है, इट्स नॉट नेसेसरी कि उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में होना है, इट कैन बी एनी फील्ड, इट कैन बी अ सिंगर, अ डांसर, एन एक्टर, अ डॉक्टर, इवन अ हाउसवाइफ। एवरीबडी हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, प्लीज़ आगे आइए, अपना टैलेंट दिखाइए, और हम जैसे लोगों को मौका दीजिए कि जो घर बैठे लोग हैं, जो लोगों को आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिला, हम उनको ये अवार्ड देकर एक औरतों के लिए एक अलग सा समाज में, फॉर द वुमेंस डे स्पेशल, दिस शो इज़ कमिंग ऑन 6th of March, रंग शारदा। आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो महिलाओं को इन्वाइट किया जाएगा वो कौन से प्रोफेशन से होगी, और क्या कैटेगरीज आप लोगों ने मतलब प्लान किए कि इन कैटेगरी में इन महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा? बहुत सारे क्षेत्रों से अलग अलग, जैसे कि मेडिकल से है, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से हमने सोचा है कि हम बहुत सारी महिलाओं को यहाँ आमंत्रित करके उनका सम्मान करें, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति है, नारियों को देवी समझा जाता है जहाँ पर। तो हम चाहते हैं जो घर से निकल के बाहर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही महिलाएं, तो वो आए इस अवार्ड के माध्यम से, हम उनका सम्मान करें। कुमार गौतम एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये अवार्ड शो आयोजित किया जाएगा 6 मार्च को रंग शारदा ऑडिटोरियम में। और मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं भी राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और कुमार गौतम पहले से बहुत सारे कार्यक्रम, अवार्ड शोज आयोजित कर चुके हैं राजस्थान में। पहली बार मुंबई में कुमार गौतम ये अवार्ड शो आयोजित करने जा रहे हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस दैट सिंस ये पहली बार ये इतना बड़ा गोल्डन गर्ल अवार्ड बॉम्बे में हो रहा है, मुंबई वासियों जागो, ऑल द लेडीज जस्ट कम फॉरवर्ड, आइए अपना टैलेंट दिखाइए, इट कैन बी एनी फील्ड इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, everybody has a quality, I request everyone to be a part of this great show. आप दोनों ही सिंगर हैं, तो क्या इन 101 की लिस्ट में कुछ सिंगर भी देखने मिलेंगे, और सुनने में आ रहा है कि आप दोनों परफॉर्म भी करने वाले हैं, क्या ऐसे कुछ प्लान है आप दोनों? यस, हम दोनों परफॉर्म करेंगे, हम दोनों के पास बहुत सारे गाने हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, और सिंग, जैसे मैंने कहा, सिर्फ सिंगर्स ही नहीं,
हर टाइप के लोग आने वाले हैं, सो आप रेडी रहिए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बिग धमाकेदार शो। इस अवार्ड शो में एक्टर्स भी हैं, डांसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो हर फील्ड से बहुत सारी महिलाएं हैं जो आने वाली हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी महिलाएं हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं, प्लीज़ आगे आइए और इस अवार्ड शो से जरूर जुड़िए। ऑल इन ऑल इट इज़ सुंदरता एंड टैलेंट टुगेदर, द गोल्डन गर्ल अवार्ड। थैंक यू सो मच। मैं गौतम जी, सबसे पहले क्या थॉट प्रोसेस था इस तरह का अवार्ड शो गोल्डन गर्ल, जो है बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, और क्या प्लान था इसके पीछे, कैसे थॉट आया अगर हमारे ऑडियंस को बताया? नमस्कार, मैं कुमार गौतम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों का कि आपके माध्यम से मेरी बात आगे तक पहुंचेगी। गोल्डन गर्ल जो अवार्ड शो जो टाइटल हमने रखा है, उसका मतलब बहुत बड़ा है। स्वर्णिम लड़की या स्वर्णिम महिला जो हम लोग बोलेंगे किसी को, जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम करते हैं और अच्छे मुकाम तक लेके जाते हैं, उनको सक्सेस मिलती है। ये अवार्ड शो मैं राजस्थान में पिछले 4-5 साल से करवा रहा था और कोविड की वजह से 2 साल थे वहाँ नहीं हो पाया था, तो अभी मैं मुंबई रहता हूँ। तो मैंने सोचा, अभी 4 दिन पहले मैंने और मेरे मित्र आदित्य नोवार जी ने, कि हम लोग ऐसा एक शो यहाँ पे प्लान करते हैं, क्योंकि 8th of March को महिला दिवस होता है, तो उसके पहले 2 दिन पहले हम लोगों ने प्लान किया है 6 मार्च को। तो जो ये प्रोग्राम है गोल्डन गर्ल, ये जब से हम लोग करवाते आ रहे हैं तब से हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि क्या होता है, एक जन को अवार्ड मिलता है, महिला को या आदमी को किसी को अवार्ड मिलता है किसी भी अवार्ड शो में, तो वो तो प्रोत्साहित होता ही होता है उसके कामों को लेकर, लेकिन उसकी वजह से उसके जानने वाले, उसके समाज वाले, उसके जितने भी अप्रोच वाले लोग हैं, वो सब लोग भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हमारे किसी मिलने वाले को अवार्ड मिला है या हमारे किसी फैमिली मेम्बर को अवार्ड मिला है, हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमें भी नेक्स्ट ईयर हो सकता है ऐसे किसी अवार्ड शो में हमें भी सम्मानित किया जाए। तो ऐसे कई अवार्ड शो मैंने राजस्थान में किए हैं। मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। मुंबई में पहला अवार्ड शो है मेरा जिसका नाम है गोल्डन गर्ल, जो 6th of March को रंगशारदा ऑडिटोरियम में होने वाला है बांद्रा में, और जिसमें 101 महिलाओं को अवार्ड दिया जाएगा। और 101 महिलाएं ना सिर्फ मुंबई से होंगी बल्कि पूरे देश से होंगी, वो दिल्ली से होंगी, राजस्थान से होंगी, उत्तर प्रदेश से होंगी, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आने वाली हैं। और उनमें भी जो अलग अलग प्रोफेशन है जिनों का, कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई सिंगर हैं, कोई डांसर हैं, कोई एक्टर हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई बीएमसी में है, तो सब तरह के क्षेत्र वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आने वाली हैं 6th of March को, और उनको यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। मेरी यही कोशिश है कि अभी जो चीज़ें हमारे देश में चल रही है अभी लॉकडाउन वाली, तो उस वजह से हमने स्पेशली वो वाला ऑडिटोरियम रखा है रंगशारदा, वहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी आ सकती है, अच्छा बड़ा ऑडिटोरियम है, तो वहाँ पर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ हम लोग ये इवेंट कर रहे हैं ताकि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको हम फॉलो कर सकें, किसी तरह का भी कोई चीज़ मिसअपनिंग ना हो किसी के साथ और कोरोना वहाँ पर फैले नहीं, जिस वजह से हम लोग 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ये शो कर रहे हैं, और हम लोग पूरी गाइडलाइन का फॉलो करके और ये हम लोग ये शो करने जा रहे हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं वो पूरे देश से आने वाली है, और मैं चाहूँगा कि मुंबई की धरती पर मैं पहली बार ऐसा ये शो कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। अगर आपके कॉन्टेक्ट में भी ऐसी कोई महिला है जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ बड़े लेवल का काम किया है, कुछ अनोखा है, जो भले से छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, लेकिन कुछ अनोखा है जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है, बाहर वो आई हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, मेरी टीम को कर सकते हैं, आदित्य नोवार जी जो हमारे साथ में हैं, उसके अलावा रेखा राव जी मैम हैं उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, शैलेश जी को कर सकते हैं, कैरन मैम को कर सकते हैं, और भी तमाम जो लोग हैं उनको कर सकते हैं आप यहाँ पर, अरुणा मैम हैं, रविका मैम हैं, तो आप उन सबको कॉन्टेक्ट करके हम तक पहुँच सकते हैं हम उन्हें, क्योंकि हम लोग एक एक जन तक पहुँच नहीं सकते अभी, क्योंकि हम लोग मुंबई में शो कर रहे हैं तो हम स्पेशली एक एक जन तक पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई हो, आपकी फैमिली में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, जिसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, तो उन्हें आप हम तक पहुंचा सकते हैं, हम लोग उन्हें वहां सम्मानित कर सकते हैं। आदित्य जी, जब कुमार गौतम जी ने आपको बताया कि ये अवार्ड शो को आप मुंबई में करना है, तो एक चैलेंज की तरह होगा आई एम श्योर, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? जब मुझे गौतम जी बताया तो मैं ये चैलेंज ही था, और हम लोग क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इवेंट है, और मैं अपने जैसे मैं बताऊँ कि मैं अपने शूट्स में और उसमें काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि फीमेल्स के ऊपर किया जा रहा है, और मैं फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे घर में काफ़ी टाइम से कोई फीमेल्स नहीं है, सब बॉयज़ ही हैं मोस्टली, तो मैं फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इवन मैं खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मैं कुछ ना कुछ फीमेल्स के लिए, जैसे मेरा प्रोडक्शन हाउस आदित्य मीडिया एंटरटेनमेंट, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ फिल्में या शॉर्ट फिल्में फीमेल्स के लिए मोस्टली निकालता हूँ,
और भी मेरे कुछ नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और मैं खुद भी कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं इवेंट्स का, जो कुमार साहब ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जो रखा है, बहुत बहुत ही इसमें फीमेल्स की जो गैदरिंग है, जो अलग अलग जगह से आके जो फीमेल्स की मेहनत करके जो अपने एक लेवल बनाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जाके अपने आप को बनाना, अपने आप को खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कुमार साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सब चीज़ कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बेटी हो या महिला हो, कोई भी हो, जो हमारा देश है, जिस तरह का समाज है, अभी जो चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, आज से नहीं, काफ़ी बरसों से चल रही है, क्योंकि मेरी खुद की एक एज है 33 ईयर्स की, तो मैं देखता हूँ कि किसी भी लड़की या किसी भी महिला के लिए इस समाज में उतरना और फिर यहाँ आके अपने आप को साबित करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चाहे वो फिल्म लाइन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है, फैमिली से लड़ना पड़ता है, फिर अगर उसकी शादी हो जाती है तो फिर हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ता है कई सारी चीज़ों के लिए, फिर इन सबको कन्विंस करके वो बाहर मार्केट में आती हैं, समाज में आती हैं और उन कामों को अंजाम देने लगती है, तो वहाँ कुछ लोग होते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें फिर उनसे लड़ना पड़ता है अपने आप को साबित करने के लिए। ऐसे करके महिला किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम पाती है, अपने आप को साबित कर पाती है, तो ऐसी महिलाओं को सलाम है कि वो इस तरीके से अपने आप को शो कर रही हैं और साबित करने में लगी हैं और काम कर रही हैं अपने लिए और समाज के लिए, तो ऐसी महिलाओं को हम लोग यहाँ सम्मानित करना चाहेंगे। साथ ही मैं आपको एक बार बता दूं कि इस अवार्ड शो की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो डॉक्टर ऋचा मेहता झरारिया हैं, जो बेसिकली राजस्थान से है लेकिन नागपुर में रहती हैं, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो वो भी 6 मार्च को यहाँ पर आने वाली हैं और वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो संयोजन वाला जो कार्यक्रम होता है पूरे हिंदुस्तान में, उनसे वो जुड़ी हुई हैं, तो वो भी यहाँ पर आने वाली है 6 मार्च को। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और मुंबई से कोई जुड़ेगा? काफ़ी लोग हैं मुंबई से, काफ़ी लोग हैं, मुंबई से काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो अच्छे घरानों से हैं, अच्छे प्रोफेशन से हैं, वो ऑलरेडी आप अभी वीडियो बाइट लिए आपने, वो सभी अच्छे घरानों से हैं, तो वो सब हमारे साथ में हैं, और भी कई माताएं बहनें हैं जो हमारे शो से जुड़ने वाली हैं, कई सारे जिनके प्रोफेशन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, वो सब लोग जुड़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।